दिस वीडियो वॉज स्पॉन्सर्ड बाई कैश फॉर ऐप। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी की एक और ब्रांड न्यू MIUI 12 के टॉप 3 एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट UI बेस्ड थीम के वीडियो सीरीज के ऊपर। एंड इस वीडियो में मैं आप सब Xiaomi एंड MIUI डिवाइस यूजर के लिए लेके आऊ ऐसे टॉप 3 अमेजिंग एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट बेस्ड माइंड बाइंडिंग थीम, जिसे अप्लाई करके आप अपने MIUI डिवाइस में ब्रांड न्यू फिंगरप्रिंट एनिमेशन से लेके ब्रांड न्यू कस्टमाइजेबल अल्टीमेट लेवल की चार्जिंग एनिमेशन को आप एक्टिव कर सकते हो। एंड आप अपने MIUI डिवाइस के बेसिक लुक को कन्वर्ट कर सकते हो प्रोफेशनल लुक में। सो वीडियो एंड थीम सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो सीरीज को लास्ट तक देखना एंड मैं आप सबको गारंटी देता हूं आपको कोई भी रिग्रेट फील नहीं होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो विदाउट एनी मोर वेस्टिंग टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। सबसे पहले तो गाइस, इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, तो फटाफट से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दो। एंड अगर आप चाहते हो MIUI के नंबर 1 बेस्ट एंड एक्सक्लूसिव थीम के वीडियो सीरीज एंड ऑल इन वन कस्टमाइजेशन वीडियो सीरीज सबसे पहले एंजॉय करना, तो आप मेरे चैनल को डेफिनेटली फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले गाइस, मैंने हमारे लिस्ट पे जो फर्स्ट थीम को इंक्लूड किया है, सिंपली उस थीम का नाम है OS। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको टॉप 3 थीमों में कोई भी थीम अगर आपको पसंद आ जाए एंड अगर आप चाहते हो उसे वन क्लिक में डाउनलोड करना, तो मैंने सारे थीम के ऑफिशियल डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट करके वन क्लिक में थीम को डाउनलोड एंड अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे ही आप इस थीम को अप्लाई करोगे एंड देखोगे इसके होम स्क्रीन के लुक को, तो होम स्क्रीन के लुक काफी ज्यादा मिनिमल और काफी ज्यादा ओपी है। एंड जो यहाँ पर इस थीम में आपको आइकन पैक देखने को मिल जाएगा, फुल्ली एनिमेटेड आइकन पैक है। अगर आप इस थीम के आइकन पैक को देखोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके जो आपको आइकन पैक देखने को मिल जाएगा वो पूरे ग्लोबल एनिमेशन को सपोर्ट करता है। नाउ अभी हम लोग देख लेते हैं इस थीम के नोटिफिकेशन पैनल या कंट्रोल सेंटर को। तो सबसे पहले जैसे ही हम लोग देखे इस थीम के कंट्रोल सेंटर को, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके जो आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा, डीप स्काई ब्लू कलर के आपको यहाँ पर कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा, जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होने के साथ साथ काफी बढ़िया लुक क्रिएट कर रहा है। नाउ गाइस, अभी हम लोग सीधे चलते इस थीम के मेन कस्टमाइजेशन की तरफ, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा लॉक स्क्रीन पर। तो जैसे ही आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन पे एंटर करोगे, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का डिफॉल्ट लॉक स्क्रीन के लुक देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर 3 तरीके का क्लॉक स्क्रीन के फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। आपको जो सबसे ज्यादा पसंद है उसे आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मेरे को पसंद आता है ज्यादातर ब्लैक, तो मैं ब्लैक को सिलेक्ट करूंगा एंड देन इसे अप्लाई कर दूंगा। एंड लॉक स्क्रीन के मिड में नीचे आपको यहाँ पर टूल बार के बटन देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस पे सिंगल टैप करोगे तो आप यहाँ पर से वन क्लिक में सारे टूल को एक्सेस कर सकते हो। एंड लॉक स्क्रीन पे और भी काफी सारे कस्टमाइजेशन है, तो आप इस थीम को मस्ट चेकआउट करना। सो सेकंड थीम के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक इंटरेस्टिंग वेबसाइट के बारे में बताता हूँ, जो कि एक कैश फॉर ऐप। क्या प्रोग्राम लैंग्वेज के जानकारी के बिना मोबाइल गेम से पैसे कमाना संभव है आज के डेट पर? तो काफी सारे लोग मेरे को बोलेगा कि नहीं भाई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पर मैं आप सबको प्रॉमिस करता हूँ, आप बिना कोई भी कोडिंग के नॉलेज के बगैर आप कैश फॉर ऐप से 100% जेनुइन तरीके से लीगली आप पैसे को अर्न कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आपको सिंपली एक मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए होगा जो कि पूरी तरह से तैयार हो गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड करने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर कैश फॉर ऐप के वेबसाइट पे आना है एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना है एंड पब्लिश एप्लीकेशन पे आपको टैप करना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे आओगे, तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे जाना है एंड गो टू असाइनमेंट पे टैप कर देना होगा। यहाँ पर से आपको मोबाइल नंबर देके आपको OTP को कंफर्म कर देना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एंड नेक्स्ट पेज पे आपको सारे डिटेल फिलअप करना होगा। दैट्स इट, आपके रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कम्प्लीट हो चुका है। अभी आपको सेकंड स्टेप पे जाना होगा एंड आपको यहाँ पर काफी सारे टास्क देखने को मिल जाएगा, आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन आपको यहाँ पर से स्टार्ट टास्क एग्जीक्यूशन पे टैप करना होगा एंड आपको यहाँ पर काफी सारे स्टेप देखने को मिल जाएगा। एंड आपको एक गूगल प्ले कंसोल के अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके लिए आपको एक $25 के पेमेंट करना होगा, पर डोंट वरी, आप जो $25 पे करोगे आपको सक्सेसफुली रिफंड मिल जाएगा कैश फॉर ऐप पर। तो जैसे ही गूगल प्ले कंसोल के डेवलपर अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट एंड वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आप रिटर्न आ सकते हो कैश फॉर ऐप के वेबसाइट पर। एंड जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन को पब्लिश कर दोगे, देन आपको कुछ घंटा वेट करना पड़ेगा सक्सेसफुली एप्लीकेशन पब्लिश एंड अप्रूव होने के लिए। जैसे ही आपके एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आपके जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली अपने अकाउंट पे आ जाएगा। नाउ अभी आप अपने पैसे को विदड्रॉ कैसे कर सकते हो? तो विदड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर काफी सारे कन्वीनियंट वे दिया गया है। आप यहाँ पर से बैंक कार्ड, वेब मनी सब में आप अपने पैसे को ट्रांसफर एंड विदड्रॉ कर सकते हो इंस्टेंटली। एंड आपने जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे डाला है उससे तो आपको एप्लीकेशन से अर्निंग हो ही रहा है। एंड बाय द वे, हर 2-3 हफ्ते में आपको नए नए टास्क मिलता रहेगा, उसे भी कम्प्लीट करके आप और भी ज्यादा अर्न कर सकते हो। साथ ही इस वेबसाइट पे डेवलपर एंड डिजाइनर के लिए काफी सारे काम मौजूद है, आप उसे कम्प्लीट कर सकते हो। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, अभी जाओ डिस्क्रिप्शन पे एंड लिंक पे क्लिक करो एंड आप अपने अर्निंग को अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको तो
पता ही है, समय ही पैसा है। नाउ गाइस अभी हम लोग बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट के नेक्स्ट एंड एक्सक्लूसिव थीम के बारे में। स्विस थीम का नाम है मिक्स डीसी। स्विस थीम के जो डिजाइनर है एंड क्रिएटर है वो मैं ही हूँ, तो आप इस थीम को प्लीज सपोर्ट जरूर से करना। तो सबसे पहले हम लोग इस थीम को अप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं इस थीम के होम स्क्रीन के लुक को। तो अप्लाई करने के बाद होम स्क्रीन के लुक आपको यहाँ पर काफी ज्यादा कलरफुल और काफी ज्यादा फ्लुएंट देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप देखोगे इस थीम के आइकन पैक को, तो यहाँ पर जो मैंने आइकन पैक को प्रोवाइड किया है वो क्रिम्सन वेस के ऑफिशियल आइकन पैक है, जो इस बैकग्राउंड के साथ तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा लाजवाब लगता है। एंड अगर आप देखोगे होम स्क्रीन के क्लॉक विजिट को, तो क्लॉक विजिट के अगर आप यहाँ पर लेफ्ट साइड पे डबल टैप करोगे तो आप अपने क्लॉक विजिट के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 5-6 विजिट ऐड कर दिया है, आपको जो क्लॉक विजिट पसंद आता है उसे आप वन टैप में अप्लाई कर सकते हो। नाउ गाइस अभी हम लोग देख लेते हैं इस थीम के नोटिफिकेशन पैनल या कंट्रोल सेंटर को। तो सबसे पहले जैसे ही आप लोग देखोगे इस थीम के कंट्रोल सेंटर को, मैंने जो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर को क्रिएट किया है वो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इसके जो कलर कॉम्बिनेशन है एंड जो डिजाइन है वो फुल्ली मिनिमलिस्टिक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ स्काई ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन करके बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पर कंट्रोल सेंटर को प्रोवाइड कर दिया है, जिसे आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। एंड अभी हम लोग चलते हैं इस थीम के मेन कस्टमाइजेशन की तरफ, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा लॉक स्क्रीन पे। तो जैसे ही आप फर्स्ट टाइम लॉक स्क्रीन को ओपन करोगे, तो लॉक स्क्रीन के लुक आपको यहाँ पर काफी ज्यादा कस्टमाइजेबल एंड काफी ज्यादा फैंटास्टिक देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन पे स्वाइप डाउन करोगे, तो आपको यहाँ पर एक सरप्राइज मेनू देखने को मिल जाएगा। ये मेनू खास मैंने आप सबके लिए डिजाइन किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन पे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा क्लॉक। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लॉक पे टैप करोगे, तो आपको यहाँ पर एओडी बेस काफी सारे क्लॉक के फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। आपको जो क्लॉक के फॉर्मेट पसंद आता है उसे आप अप्लाई कर सकते हो। एंड सेकेंड नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा मंत्रा या क्वार्ट्ज। एंड थर्ड नंबर पे आप सबके चाहिए कस्टमाइजेबल आपके चार्जिंग एनिमेशन। तो यहाँ पर मैंने 4 चार्जिंग एनिमेशन को ऐड किया है, आपको जो चार्जिंग एनिमेशन पसंद आता है आप उसे अप्लाई कर सकते हो। देन फोर्थ नंबर पे मैंने जो ऐड किया है वो किया लाइट। तो लाइट पे जाके आप अपने बॉर्डर के लाइट को शो कर सकते हो। यहाँ पर काफी सारे मैंने बॉर्डर दे दिया है, 6 बॉर्डर एंड 6 कलर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको जो भी बॉर्डर आपके मोबाइल पे सेट होता है उसे आप ऐड कर सकते हो। एंड फिफ्थ नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा वॉलपेपर। तो अगर आपके डिवाइस एमोलेड है तो आप फिफ्थ नंबर पे जाके वॉलपेपर को सेट कर सकते हो एओडी पर। एंड सिक्स नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा एनिमेशन। तो एनिमेशन सेक्शन पे जाके आप यहाँ पर काफी सारे एनिमेशन को ऐड कर सकते हो। एंड सेवन एंड लास्ट नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा असिस्टेंट। तो असिस्टेंट बटन पे आपको यहाँ पर काफी सारे शॉर्टकट असिस्टेंट देखने को मिल जाएगा। आपको जो पसंद है उसे आप ऐड कर सकते हो। उसे आपको सिंपली एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन से स्वाइप राइट करना होगा, तो आप यहाँ पर से असिस्टेंट को भी एक्सेस कर सकते हो। नाउ गाइस अभी हम लोग देख लेते हैं इस थीम के बूट एनिमेशन को। तो मैंने यहाँ पर जो इस थीम में बूट एनिमेशन ऐड किया है वो पिक्सी ओएस का आपको ऑफिशियल बूट एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, जो लुक वाइज मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। नाउ गाइस अभी हम लोग बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट के लास्ट एंड थर्ड नंबर की थीम के बारे में। इस थीम का नाम है राधे जीएक्स एडिशन। तो सबसे पहले जैसे ही आप इस थीम को अप्लाई करोगे एंड देखोगे इसके होम स्क्रीन के लुक को, तो होम स्क्रीन के जो लुक है वो आपको यहाँ पर पूरे कलरफुल देखने को मिल जाएगा। नाउ गाइस अभी हम लोग देख लेते हैं इस थीम के नोटिफिकेशन पैनल या कंट्रोल सेंटर को। तो सबसे पहले जैसे ही हम लोग देखे इस थीम के कंट्रोल सेंटर को, तो कंट्रोल सेंटर आपको यहाँ पर पूरे SRX UI बेस्ड आपको यहाँ पर कस्टमाइज कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप देखोगे इस थीम के वॉल्यूम पैनल या वॉल्यूम रॉकर्स की को, तो ये भी पूरे कस्टमाइज्ड है। एंड अभी हम लोग चलते इस थीम के कॉलिंग स्क्रीन की तरफ। तो कॉलिंग स्क्रीन आपको यहाँ पर पूरे मॉडिफाइड देखने को मिल जाएगा, चाहे हम लोग बात करें इनकमिंग कॉलिंग स्क्रीन के या आउटगोइंग कॉलिंग स्क्रीन के, वो पूरे मॉडिफाइड देखने को मिल जाएगा। नाउ गाइस अभी हम लोग सीधे चलते इस थीम के लॉक स्क्रीन की तरफ। तो जैसे ही आप देखोगे इस थीम के लॉक स्क्रीन के लुक को, लॉक स्क्रीन के लुक आपको यहाँ पर साइबरपंक 2077 के आपको यहाँ पर डिट्टो कॉपी लॉक स्क्रीन के लुक देखने को मिल जाएगा। एंड आपको यहाँ पर एक डिफॉल्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर को भी प्रोवाइड किया गया है। ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है आपको 1+8T के फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। सो बस गाइस इस वीडियो सीरीज पे इतना ही था, एंड आई होप कि आपको ये थीम सीरीज पसंद आया है। एंड आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से करना कि आपको ये टॉप 3 थीमों में से कौन से थीम सबसे ज्यादा पसंद आया, एंड आप कौन से थीम को अप्लाई करने वाले हो, एंड नेक्स्ट वीडियो में आप कौन से तरीके का थीम देखना पसंद करोगे, कमेंट में मुझे जरूर से बता देना। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।